Hello, my dear students. This is Swati Chavla. Welcome to my series for CBSC Class 9th Information Technology Subject Code 402. In this video, we will start the Unit 2 of Part B, that is Spreadsheet Applications. This unit is divided into 5 sections or 5 sessions. In this video, we will cover the first session and these topics we will cover: introduction about spreadsheet, what are the basic terms related with spreadsheet, how to create, open and save a worksheet, and these various operations that can be applied on the spreadsheet. So let's start. First of all, what is a spreadsheet? A spreadsheet is a software tool which is used to perform the complex calculation very easily. देखो, अगर आपके पास कोई भी टाइपिंग का वर्क है कि आई वॉन्ट टू राइट अ मैगजीन और आई वॉन्ट टू प्रिंट अ बुक, फॉर दैट तो आई विल गो विथ ऑफिस राइटर, विच वी हैव डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस वीडियोस. बट अगर आपको कोई कैलकुलेशन करनी है, सपोज जैसे आप लोग स्कूल में पढ़ते हो तो आपकी मार्कशीट्स प्रिपेयर करती हैं टीचर्स, ठीक है. टीचर्स यूज टू प्रिपेयर योर रिपोर्ट कार्ड इन अ स्प्रेडशीट एप्लीकेशन, जहाँ पर मेरे कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस we can perform in within seconds. So it is a software tool that lets you enter, calculate, manipulate and analyze the set of numbers. Means aap isme apni numeric values ko enter kar sakte ho, calculation perform kar sakte hain, usko hum analyze kar sakte hain. Analyze means ki aapka data kahan par increase ho raha hai, decrease ho raha hai. With the help of charts we can do this. These are the basic terms related to spreadsheet. Before discussing these terms, let me show you the document window of spreadsheet. This will look like this. So I am opening my OpenOffice Calci. First of all, click on the start button, then OpenOffice, then click on this OpenOffice Calci. After clicking on this, a document window will appear like this. ठीक है, इफ यू विल सी द स्टेटस बार, तो यहाँ पर प्लस और माइनस के ऑप्शंस हैं. ठीक है, माइनस से आपका जूम आउट हो जाएगा और साइज इंक्रीज करने के लिए यू हैव टू प्रेस द प्लस सिंबल. नाउ लेट बैक टू दिस. दीज आर द वेरियस टर्म्स. फर्स्ट वन इज वर्कशीट. वर्कशीट देखो क्या होता है. जब मैंने अपना ये ऑफिस राइटर, ऑफिस Calci ओपन किया है, तो बाय डिफॉल्ट आई एम हैविंग थ्री शीट्स इन दिस. चेक ऑन द बॉटम, शीट वन, शीट टू एंड देन शीट थ्री. वन शीट इज कॉल्ड योर वर्कशीट. तो जहां पर भी वर्कशीट लिखा हो, दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर शीट. अ कलेक्शन ऑफ शीट, ये आपकी कंप्लीट फाइल है, दिस इज कॉल्ड योर वर्कबुक. मींस अ वर्कबुक कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल शीट्स. नेक्स्ट टर्म इज रो नंबर एंड कॉलम लेटर. जस्ट सी दिस एट द वेरी लेफ्ट मोस्ट साइड, 1, 2, 3, 4, 5, दीज आर योर रो नंबर्स एंड ए बी सी डी, दीज आर योर कॉलम लेटर्स. नेक्स्ट टर्म इज सेल पॉइंटर और सेल. देखो, सेल इज द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम, कि जहां पर मेरी एक रो और एक कॉलम, दिस इज माई रो एंड दिस इज माई कॉलम, जहां पर ये इंटरसेक्ट करेंगी वो आपका क्या होगा, एक सेल. और जो ये सेल मेरा सिलेक्टेड है, यहाँ एक बाउंड्री शो हो रही है, तो दैट इज माई एक्टिव सेल, और यू कैन से कि करंट सेल जो मैंने सेलेक्ट कर रखा है. नेक्स्ट है रेंज ऑफ सेल. रेंज ऑफ सेल मीन्स कलेक्शन ऑफ कॉन्टिग्यूस सेल. ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ दो सेल यहाँ से सेलेक्ट करे फिर टू यहाँ से करे, नहीं. रेंज सेल मीन्स कलेक्शन ऑफ कॉन्टिन्यूस सेल इन अ वर्कशीट. अब हर एक सेल का मेरे पास क्या होता है, एक यूनिक नंबर. जैसे आप लोगों का एक यूनिक नेम होता है, ऐसे ही हमारे पास जितने भी एक्सेल में सेल हैं, उसका हर एक का एक क्या होता है, यूनिक नेम. और वो हर एक सेल का हम नेम कैसे देते हैं, जो भी मैं सेल को सेलेक्ट करूंगी, सपोज मैंने ये सेल सेलेक्ट किया, आपने इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम चेक करना है
कॉलम लेटर, देन इसके करस्पॉन्डिंग रो लेटर. नाउ सपोज आई हैव सेलेक्टेड दिस सेल, तो इस सेल के करस्पॉन्डिंग मेरा कॉलम लेटर क्या है? बी. और रो नंबर क्या है? 2. तो द नेम ऑफ दिस सेल इज B2. इफ आई एम सेलेक्टिंग दिस सेल, तो करस्पॉन्डिंग कॉलम लेटर इज C एंड रो नंबर इज 5. तो द नेम ऑफ दिस सेल इज C5. लेट्स चेक वन मोर एग्जाम्पल. आई एम सेलेक्टिंग दिस सेल नाउ. दिस फर्स्ट दिस द करस्पॉन्डिंग कॉलम इज E एंड करस्पॉन्डिंग रो नंबर इज 21. तो द नेम ऑफ दिस सेल इज E21. और आप एक चीज देखो, जो आपका यहाँ पर नेम बॉक्स दे रखा है दिस, जो भी आप सेल सेलेक्ट करोगे वो नेम बॉक्स में उस सेल का क्या आ जाएगा? नेम. सपोज आई एम सेलेक्टिंग B17, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? B17. नाउ आई एम सेलेक्टिंग B2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? B2. इसका एक एडवांटेज और भी है, आप यहाँ पर जो भी सेल का नेम लिखोगे, सपोज आई एम राइटिंग D5 और आफ्टर प्रेसिंग द एंटर की, आपका जो पॉइंटर है वो कहाँ पर आ जाएगा? D5. दीज बेसिक टर्म्स वी हैव डिस्कस्ड. नाउ वर्कशीट क्या है? रोल नंबर, कॉलम लेटर, सेल्स, रेंज ऑफ सेल एंड सेल पॉइंटर. नाउ दिस इज माय विंडो, जो आपकी ओपन होगी ओपन ऑफिस केल्सी की. नाउ सी हियर एट द वेरी टॉप, दिस इज कॉल्ड टाइटल बार. ठीक है, टाइटल बार के राइट मोस्ट साइड पर 3 बटन्स है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड देन क्लोज. बिलो द टाइटल बार वी आर हैविंग मेन्यू बार. मेन्यू बार में क्या है? फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, व्यू मेन्यू, फॉर्मेट मेन्यू, ये आपके सारे क्या हैं? मेन्यूज. इसमें आपको जो भी एक्सेल में कमांड्स परफॉर्म करनी है स्प्रेडशीट में, यू कैन परफॉर्म बाय क्लिकिंग ऑन दिस ऑप्शंस. बिलो द मेन्यू बार दिस इज माय स्टैंडर्ड टूल बार. स्टैंडर्ड टूल बार में आपकी जनरली वो सारी कमांड्स होंगी विच यू विल यूज फ्रीक्वेंटली, मीन्स जो आप बार बार यूज कर सकते हो. एट द राइट साइड ऑफ स्टैंडर्ड टूल बार वी आर हैविंग फाइंड टूल बार, कि अगर आपको अपने स्प्रेडशीट में कोई टेक्स्ट को क्या करना हो? फाइंड करना हो. बिलो द स्टैंडर्ड टूल बार वी आर हैविंग द फॉर्मेटिंग टूल बार. फॉर्मेटिंग टूल बार कंटेन्स दोज कमांड्स विच आर यूज टू अप्लाई द फॉर्मेटिंग ऑप्शन ऑन अ सेल, कि आपने उसका स्टाइल चेंज करना है, साइज इंक्रीज करना है, कलर चेंज करना है, उसकी अलाइनमेंट सेट करनी है. दीज ऑप्शन यू विल फाइंड इन द फॉर्मेटिंग टूल बार. बिलो द फॉर्मेटिंग टूल बार दिस ऑप्शन, दिस इज कॉल्ड नेम बॉक्स एंड दिस इज कॉल्ड फॉर्मूला बार, दिस वन. ठीक है, नेम बॉक्स में तो क्या आएगा? जो भी आपके सेल का नेम होगा वो आ जाएगा. अब जैसे इसमें सेलेक्टेड सेल कौन से है? A1, तो नेम बॉक्स में क्या आ जाएगा? A1. और फॉर्मूला बार में क्या आएगा? जो भी आप सेल के अंदर कुछ भी टेक्स्ट लिखोगे, दैट यू कैन सी हियर. उसके बाद दीज आर माई रो हेडर्स, दीज आर माई कॉलम हेडर्स. एट द वेरी बॉटम वी आर हैविंग स्टेटस बार. स्टेटस बार में यहाँ प्लस और माइनस का सिंबल है टू इंक्रीज और डिक्रीज द साइज ऑफ अ शीट, मीन्स जूम आउट एंड जूम इन. एंड अबव द स्टेटस बार वी आर हैविंग शीट टैब्स. बाय डिफॉल्ट इन ओपन ऑफिस केल्सी वी आर हैविंग 3 शीट्स, शीट 1, शीट 2 एंड शीट 3. जैसे आपके एमएस वर्ड में पेजेस होते हैं, ऐसे ही अगर मुझे एक्सेल में वर्क करना हो, मीन्स स्प्रेडशीट में, तो वी आर हैविंग शीट्स फॉर दैट. ठीक है, अब हम दीज कंटेंट्स वी विल कवर. इंट्रोडक्टरी पार्ट वी हैव डन, स्प्रेडशीट बेसिक टर्म्स वी हैव डिस्कस्ड. अब हम देखेंगे नेविगेटिंग एंड सेलेक्टिंग द वर्कशीट. नेविगेटिंग मीन्स अगर मुझे एक सेल से दूसरे सेल पर मूव करना हो, इफ यू आर यूजिंग योर माउस तो और ट्रैक बॉल, जस्ट क्लिक द लेफ्ट माउस बटन, यू विल गो टू दैट पर्टिकुलर लोकेशन. ठीक है, नेविगेटिंग मीन्स एक सेल से दूसरे सेल पर मूव करना. यू कैन डू दिस विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड शॉर्टकट कीज ऑल्सो. देखो, अगर मुझे एक सेल से दूसरे सेल पर जाना है, तो फॉर दैट आई कैन प्रेस आइदर टैब की और
राइट एरो की, और अगर मुझे बॉटम पे जाना है डाउनवर्ड्स तो आई हैव टू प्रेस द डाउन एरो की। ठीक है, अब देखो अगर मैं एरो की प्रेस करते चली जाऊँ ये तो कॉलम नेम्स आते ही चले जा रहे हैं। इफ आई वॉन्ट टू सी कि वट इज द नेम ऑफ माई लास्ट कॉलम, आप देखोगे तो डब्ल्यू एक्स वाई जेड के बाद ये कैसे स्टार्ट हो जाएगा, ए ए ए बी ए सी ए डी अप टू ए जेड, ए जेड के बाद ये फिर से स्टार्ट हो जाएगा बी ए बी 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 सी इस तरीके से। तो अगर मुझे लास्ट कॉलम पर जाना है तो आई हैव टू प्रेस द की कंट्रोल एंड राइट एरो की, तो लास्ट कॉलम जो है मेरा दैट इज ए एम जे। ठीक है, अगर मुझे वापस से बिल्कुल फर्स्ट कॉलम पर आना है तो आई हैव टू प्रेस द कंट्रोल एंड लेफ्ट एरो की। अगर मुझे लास्ट रो देखनी है कि टोटल इसमें रोज कितनी है तो आई हैव टू प्रेस कंट्रोल प्लस डाउन एरो की। ठीक है, अब इसके नीचे नहीं आएगा 1048576, दिस इज द नंबर की मेरी जो स्प्रेडशीट है उसमें टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है। इफ आई वॉन्ट टू गो बैक टू द फर्स्ट रो तो देन आई हैव टू प्रेस द कंट्रोल प्लस अप एरो की। ठीक है, बेसिकली टू गो टू द एंड ऑफ दैट कॉलम एंड एंड ऑफ द रो यू हैव टू प्रेस द फोर एरो कीज विद कॉम्बिनेशन ऑफ योर कंट्रोल की। ठीक है, लाइक दिस। नेक्स्ट, सेलेक्टिंग रेंज। अगर आपने कोई रेंज सेलेक्ट करनी है, रेंज क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस सेल का कलेक्शन। ठीक है, अब देखो सपोज इस सेल का नेम क्या है A2, जस्ट प्रेस योर लेफ्ट माउस बटन एंड ड्रैग इट, तो ये आपकी क्या सेलेक्ट हो जाएगी, दिस इज कॉल्ड माई रेंज ऑफ सेल। अगर मुझे ये सेलेक्ट करना है, जस्ट प्रेस योर प्लेस योर माउस पॉइंटर हेयर एंड देन ड्रैग इट, यू हैव टू ड्रैग इन द पर्टिकुलर डायरेक्शन जहां पर आपको रेंज ऑफ सेल को क्या करना हो, सेलेक्ट। अगर आपको कंप्लीट कॉलम सेलेक्ट करना है तो जो भी कॉलम सेलेक्ट करना हो कंप्लीट, जस्ट क्लिक ऑन दैट कॉलम लेटर। ठीक है, आई हैव जस्ट क्लिक ऑन दिस बी, तो ये आपका पूरा कॉलम क्या हो गया, सेलेक्ट। इसी तरीके से अगर आपको कंप्लीट रो सेलेक्ट करनी हो तो जस्ट क्लिक ऑन दिस रो नंबर। इफ आई एम राइटिंग सेलेक्टिंग ऑन 5 तो आपकी जो कंप्लीट रो है वो क्या हो जाएगी, सेलेक्ट। उसके बाद है इंसर्ट डिलीट सेल रो एंड कॉलम, कि इफ आई वॉन्ट टू इंसर्ट द रो डिलीट द रो तो हाउ वी कैन डू दिस। नाउ टू एक्सप्लेन द फर्दर कंसेप्ट, आई हैव क्रिएटेड दिस टेबल इन ओपन ऑफिस कैलसी, आई हैव जस्ट रिटन द रोल नंबर नेम एंड मार्क्स, 10 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड्स आई हैव एंटर्ड। ठीक है, अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, If I want to insert or delete the cell, row and column, ठीक है, अब देखो आपको पता है cell क्या है, row क्या है and what is column, one rectangular box is called cell, the जहाँ पर ये numbers हैं 1, 2, 3, 4, these are my row numbers and A, B, C are my column letters, तो if I want to insert a cell, ठीक है, in our worksheet, तो वट वी हैव टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट द प्लेस वेयर यू वॉन्ट टू इंसर्ट द सेल। आई एम जस्ट जूमिंग इन सो दैट इट इज क्लियर टू यू। सपोज आई वॉन्ट टू इंसर्ट माई न्यू सेल हेयर, ठीक है, अब यहाँ पर स्पेस तो नहीं है, तो टू इंसर्ट अ सेल फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक ऑन दिस इंसर्ट मैन्यू, देन क्लिक ऑन द सेल्स ऑप्शन। आफ्टर क्लिकिंग ऑन द सेल्स ऑप्शन दिस डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, 4 ऑप्शंस आर हियर, शिफ्ट सेल्स डाउन, शिफ्ट सेल्स राइट, एंटायर रो एंड एंटायर कॉलम। एंटायर रो और कॉलम से तो आपकी कंप्लीट रो और कॉलम इंसर्ट हो जाएगा, बट अगर मैं बात करूँ इंसर्ट सेल की, अब मैंने ये 54 वाला सेल जो है सेलेक्ट किया, अब इफ आई वॉन्ट टू इंसर्ट अ न्यू सेल हेयर तो देर आर 2 पॉसिबिलिटीज। ठीक है, मुझे यहाँ पर स्पेस बनाना पड़ेगा न्यू सेल को इंसर्ट करने के लिए, सो फॉर दैट वी हैव टू आइदर शिफ्ट दिस सेल टू द राइट और टू द डाउन। इफ आई विल सेलेक्ट दिस ऑप्शन शिफ्ट सेल्स डाउन एंड आई विल क्लिक ऑन ओके बटन,
तो जो मेरे ये सारे सेल्स थे वो एक एक सेल क्या शिफ्ट हो गए डाउन, और यहाँ पर मेरी एक वैल्यू क्या हो गई इंसर्ट. लेट्स डू द अदर मेथड. आई एम प्रेसिंग अंडू, दैट इज़ कंट्रोल प्लस जेड. अब ये मेरे वापस से वहीं पर आ गई इंसर्ट एंड देन सेल्स, एंड दिस टाइम आई एम क्लिकिंग ऑन शिफ्ट सेल्स राइट एंड देन क्लिक ऑन द ओके ऑप्शन. तो आपका जो सेल था वो कहाँ पर शिफ्ट हो गया राइट पर. तो आप यहाँ पर अब जो न्यू सेल है वो गेट इट गेट्स इंसर्टेड. इफ़ यू विल सेलेक्ट दिस प्लेस मीन्स सेल नेम B4 एंड देन क्लिक ऑन इंसर्ट एंड देन सेल ऑप्शन, और फिर सेलेक्ट करो शिफ्ट सेल राइट, तो ये आपके दोनों ही किस में शिफ्ट हो जाएंगे राइट में, क्योंकि मुझे जो यहाँ पर एक न्यू सेल क्या करना है इंसर्ट. इसी तरीके से आप रो या कॉलम भी इंसर्ट कर सकते हो. फॉर दैट यू हैव टू सेलेक्ट द रो जिसके ऊपर एक रो इंसर्ट होएगी. अब ध्यान से देखो मैंने कौन से, ये 5 है. अब अगर मुझे रोल नंबर 3 और 4 के बीच में एक रो इंसर्ट करनी है, ठीक है, तो जो आप सेलेक्ट करोगे उससे ऊपर एक रो इंसर्ट होएगी. फॉर दैट क्लिक ऑन दिस इंसर्ट ऑप्शन, आइदर क्लिक ऑन दिस रोज ऑप्शन. तो 4 से ऊपर आपकी क्या हो गई एक रो इंसर्ट. सेकेंड मेथड क्या है बेटा, क्लिक ऑन दिस इंसर्ट ऑप्शन सेल्स एंड फ्रॉम हेयर सेलेक्ट एंटायर रो, इससे भी आपकी रो इंसर्ट हो जाएगी. एंड थर्ड मेथड इज अब यहाँ पर इंसर्ट करते हैं राइट क्लिक हेयर. कैसे राइट क्लिक करोगे, जिसके ऊपर करना हो वो रो नंबर सेलेक्ट करके क्लिक ऑन द रो नंबर राइट क्लिक एंड देन इंसर्ट रो. इस तरीके से आपकी जो है एक न्यू रो इंसर्ट हो जाएगी. अब तक जितने मेथड्स किए उसमें हमारी एक टाइम पर एक ही रो इंसर्ट हुई है, ठीक है, बट वी कैन ऑल्सो इंसर्ट मल्टीपल रोज एट द सेम टाइम. फॉर दैट वट यू हैव टू डू, सेलेक्ट द नंबर ऑफ रोज. सपोज मैंने यहाँ पर कितने सेलेक्ट करी, 1, 2, 3, 4, 4 रोज मैंने सेलेक्ट कर दी. उसके बाद मैंने यहाँ 9 पर राइट क्लिक करा एंड देन आई एम क्लिकिंग इंसर्ट रो. जस्ट अ सेकेंड, सपोज आई एम सेलेक्टिंग दिस 3 रोज एंड देन क्लिकिंग ऑन इंसर्ट रोज. तो उसके बाद जितनी रोज मैंने सेलेक्ट करी थी उतनी रोज आपकी क्या हो जाएंगी इंसर्ट, ठीक है. लेट्स डू दिस अगेन. सपोज आई एम सेलेक्टिंग दिस 3 रोज, राइट क्लिक एंड देन इंसर्ट रोज. तो आपके यहाँ पर कितनी रोज इंसर्ट हो गई, 3. ऐसे ही हम कॉलम भी इंसर्ट कर सकते हैं. जौन सा कॉलम सेलेक्ट करोगे उसके लेफ्ट साइड पर इंसर्ट होगा, ठीक है. सपोज वही सेम मेथड है, आइदर क्लिक ऑन द इंसर्ट मेन्यू एंड देन क्लिक ऑन द कॉलम्स ऑप्शन. तो अब मैंने नेम सेलेक्ट किया था, तो नेम से पहले आपका एक कॉलम क्या हो जाएगा इंसर्ट. इफ़ यू वॉन्ट टू इंसर्ट मल्टीपल कॉलम्स तो यू हैव टू सेलेक्ट द नंबर ऑफ कॉलम्स विच यू वॉन्ट टू इंसर्ट. अब मैंने 3 कॉलम्स को सेलेक्ट किया, राइट क्लिक इंसर्ट कॉलम्स. तो देखो उससे पहले मेरे 3 कॉलम्स क्या हो गए इंसर्ट, ठीक है. इसी तरीके से आप इनको क्या कर सकते हो, डिलीट, सेलेक्ट दिस 3 देन क्लिक ऑन द डिलीट कॉलम्स. इफ़ यू वॉन्ट टू डिलीट एनी रो देन सेलेक्ट द रो नंबर, राइट क्लिक एंड देन क्लिक ऑन द डिलीट रो. तो 5th रो आपकी कंप्लीट क्या हो गई अब डिलीट. यू कैन परफॉर्म वेरियस ऑप्शंस फ्रॉम हेयर ऑल्सो प्लस बाय सेलेक्ट राइट क्लिकिंग द रो एंड कॉलम नंबर ऑल्सो, ठीक है. नाउ नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड, फ्रीजिंग रोज एंड कॉलम्स. फ्रीज का मतलब क्या होता है बेटा, कोई चीज़ को फिक्स कर देना. अब सपोज करो मेरे पास काफ़ी सारे यहाँ पर रोल नंबर या नेम्स हैं. अब मुझे नहीं पता ना इस कॉलम का नेम क्या है, ऊपर वाले कॉलम की जो हेडिंग है उसका नेम क्या है या मार्क्स क्या हैं. अगर मैं इस मार्क्स की जगह लिख दूँ इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स, ठीक है, और यहाँ पर मैंने रेंडमली कोई भी मार्क्स लिख दिए. सिमिलर फॉर अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो, ठीक है. रेंडमली आई हैव रिटन द मार्क्स. अब मैं अगर इस सेल को सिलेक्ट कर रही हूँ तो अब मुझे नहीं पता लग रहा ना कि ये किस सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, क्योंकि वो तो मेरे किससे पता लग रही है, कॉलम की हेडिंग से.
So for that we need the purpose of freezing rows and columns. अब freeze देखो कैसे करोगे, अगर मुझे first row freeze करनी है, generally जब हम work करते हैं real life situation में तो we used to freeze the top row and leftmost column. अब अगर मुझे top row freeze करनी है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, उसके नीचे वाली row select करोगे and then click on the window menu. After clicking on the window menu, click on the freeze option. जैसे आप freeze पर click करोगे, आपकी एक line आ गई. तो अब जब मैं down arrow की press करूँगी, तो देखो मेरे बाकी के वो move हो रहे हैं. But जो मेरी first topmost row है, वो आपकी क्या रहेगी? Fix. If you want to unfreeze, तो same process, click on the window menu and then click on this freeze option. It will get unfreeze. अगर आपने कॉलम को फ्रीज करना हो कि अगर मैं इधर मूव करूं, अब मुझे नहीं पता लग रहा ना ये 67 मार्क्स जो है मैथ्स में किस स्टूडेंट के हैं, कौन से रोल नंबर के हैं, सो फॉर दैट आई हैव टू फिक्स द रोल नंबर कॉलम. सो क्लिक ऑन दिस विंडो एंड देन फ्रीज. अब देखो यहाँ पर आपका एक लाइन आ गई, तो आप जब इसको मूव करोगे आपका जो लेफ्ट मोस्ट कॉलम है वो क्या रहेगा? फिक्स. दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड फ्रीजिंग रोज एंड कॉलम्स. And to unfreeze this, we have to click on the Windows menu and then click on the freeze option. तो वो आपका क्या हो जाएगा? Unfreeze. Next is बेटा splitting the windows and screen. Split का मतलब क्या होता है कि आपकी जो ये complete window given है, इसको आपने split करना है either horizontally or vertically in two parts. कि मुझे ऊपर और दोनों values पर work करना है, कि मुझे इस ध्रुव वाले roll number पर को भी देखना है और जो नीचे वैल्यूज़ हैं उस पर भी साथ में वर्क करना है. तो इसके टू मेथड्स हैं. एक तो देखो जहाँ बिल्कुल बॉटम राइट साइड पर एक ये ब्लैक सी लाइन है, ठीक है, व्हेन यू विल क्लिक ऑन दिस यू विल योर स्क्रीन विल गेट स्प्लिट. और सेकेंड मेथड, क्लिक ऑन द विंडो मेन्यू एंड देन क्लिक ऑन द स्प्लिट ऑप्शन. तो आपकी जो स्क्रीन है ये क्या हो गई? स्प्लिट. ठीक है, अभी आपकी टू कॉलम्स में क्या हो गई? डिवाइड. इस तरफ भी और इस तरफ भी. लेट मी शो यू दिस अगेन. अब इंस्टेड ऑफ रोल नंबर ना हम यहाँ वाला सेल सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, हिंदी वाला. अब मैंने क्या करा? विंडो एंड देन स्प्लिट. ठीक है, अब देखो ये मेरा जो ये है मेरी टू पार्ट्स में डिवाइड हो गई. इसको थोड़ा आप ऐसे नीचे भी कर सकते हो. अब मैं इसमें चारों तरफ वर्क कर सकती हूँ. जो फर्स्ट वाला है उसमें भी ये सारी वैल्यूज़ आएंगी, सेकंड वाली जो विंडो स्प्लिट हुई है उसमें भी सारी वैल्यूज़, थर्ड वाली में भी सारी वैल्यूज़ और फोर्थ वाली में भी. इस तरीके से आप अपनी एक वर्कशीट को स्प्लिट करके एक टाइम पर मल्टीपल लोकेशंस पर विजिट कर सकते हो. इस सेशन में वी विल कवर दिस मच. आई होप यू लाइक द वीडियो. इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन राइट इट इन द कमेंट सेक्शन. If you like my video, do press the like button, share your views in the comment section, share my video with your friends so that unke concepts bhi clear ho jaye jaise aapke hue. And don't forget to subscribe my channel and press the bell icon to get the updates of my upcoming videos. Till then, keep watching, keep studying.